Hey guys, what's up? Welcome back to my new episode, Long Drive with Faisu. आज बड़ी शिद्दत से एक चोर हाथ में आया guys. और मैं उसे इतनी आसानी से निकल के भागने नहीं दूंगा. मैंने बैठा लिया उन्हें अपनी गाड़ी में और मिलते हैं अब Long Drive with Faisu पे. Please welcome Sunny Kaushal guys. Let's go. Sunny भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई. ये शाहरुख खान का बंगलो जा रहा है तो शायद कहीं गाड़ी उनकी निकल जाए या वो जा रहे तो दिख जाए. गुंडे जो मूवी थी उसमें आपने एडी का काम किया था. मैं ये बिलीव करता हूँ कि यार सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है. आपकी अपनी जर्नी रही 100% की अपनी जर्नी है भाई. घर का माहौल कैसा रहता है? बहुत ही इंटेंस होने वाला था. आपका और विक्की पाजी का कभी झगड़ा झगड़ा होता है कि नहीं होता है? अच्छा झगड़ा होता है. जा अभी देख तेरे से ज्यादा पिक्चर करके दिखा दो. नहीं नहीं वो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा है कि मैं पिट के बैठ जाऊं. ये टेक को कैसा लेते हो जब आपको विक्की सर के साथ में कंपेयर किया जाता है? हाउ इज योर इक्वेशन विद कैटरीना कैफ? सनी भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया. पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. अरे सेम. क्योंकि आपने जो मूवी दिया है शिद्दत, उसके तो बहुत सारे लोग फैन हो गए. और चोर निकल के भागा जो आपकी मूवी थी, ये मूवी का ना मैं दिल से वेट कर रहा हूँ. देखो लोग भी वेट कर रहे हैं शिद्दत का. करेक्ट. कि शिद्दत 2 आए और वो देखे. ए हे रहा नहीं जाता. बट मेरे को है ना वेट चोर निकल के भागा गया. मुझे अब देखना कि आप कैसा रिवेंज लोगे. करेक्ट. अभी वो देखते हैं यार. वो चल रही है बातचीत तो, बिकॉज इट डिड रियली वेल Netflix के लिए. अभी पिछले हफ्ते हमें न्यूज़ आई थी कि चोर निकल के भागा इंडिया से इट्स टॉपिंग द चार्ट. वर्ल्ड ओवर इट वाज ऑन 401 रैंक या समथिंग. तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं यार चोर निकल के भागा 2 आए और अंकित अपना रिवेंज ले नेहा से. सही में भाई. तो सनी भाई हमारे ना कुछ शो के सेगमेंट है. मैं आपको ना एक एक करके बताते रहूंगा, मगर सबसे पहला जो सेगमेंट है ना वो है फोन त्यागना सेगमेंट. इसमें आपको है ना आपका फोन त्यागना पड़ेगा. अरे भाई ले लो यार, पीछा छूटा. मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि ये देखो ऐसा ना मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे शो के बीच में आपको कोई भी डिस्टर्ब करे. बिल्कुल भी नहीं. दूसरा सेगमेंट है हमारा टॉक ऑफ द टाउन. ओके. तो उसमें हम बात करते हैं सोशल मीडिया को लेके. आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है सोशल मीडिया. बात तो सही है. करेक्ट. और लोग दबा के वीडियोस बना रहे हैं, बराबर से अपने आप को सोशलाइज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सोशल मीडिया को लेके. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली बदलता रहता है सोशल मीडिया को लेके. बिकॉज जब शुरू हुआ था मुझे याद है 2012 में मैंने इंस्टाग्राम पहली बार डाउनलोड किया. यस. मेरे लिए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम है. मैं ट्विटर अभी जो एक्स है मैं उस पर ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ. मुझे समझ में भी नहीं आया वो. जब हमने तब डाउनलोड किया था ना उसमें एक प्योरिटी थी. इन द सेंस के मैं ना कोई भी ऐसे फोटो क्लिक करके डाल देता था ना. लाइक्स की मारा मारी थी ना कमेंट्स की मारा मारी थी ना कुछ ऐसा था कि यार लोगों को दिखाना है. इट वाज जस्ट बस ऐसा था कि ये मेरा फीड है और मैं उसको कितना अच्छा करूं और मैं कितना. ऐसा ही था कि बस लोग अपना नजरिया दिखा रहे हैं कि ये मेरी आंखों से दुनिया ऐसी दिखती है तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ. क्या बात है सर, क्या बात है सर. अब वो धीरे धीरे ऑब्वियसली जैसे हर एक इंडस्ट्री का होता है वो एक टाइम पे आके मोनेटाइजेशन पे पहुंच ही जाता है. करेक्ट. व्हिच इज जो बहुत बढ़िया है बिकॉज सोशल मीडिया ने इतना रोजगार बढ़ा दिया है. हम खुद कमाते हैं सोशल मीडिया से. वो हमारे लिए भी एक इनकम का जरिया बन गया है. करेक्ट. सो लेकिन तो अब मेरा स्टैंड ये है कि अब फिर मैं उसे मैं शेयर करता हूँ मेरी लाइफ के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स. बट आई एम ऑल्सो अवेयर कि हाँ ये एक इनकम का जरिया है. सो आई विल ऑल्सो लुक एट इट दैट वे. और एक बहुत बढ़िया चीज सोशल मीडिया की है कि यार यू कैन कनेक्ट विद योर फैंस. यस भाई. वो मुझे दिल से ना इतना ज़्यादा पसंद है ना बिकॉज पहले नहीं होता था यार. पहले आप एज अ फैन हम भी जब बड़े हो रहे थे तो हमने इंटरव्यूज देख लिए, हमने मूवीज देख लिया. हम इस चाह में होते थे कि यार ये ना ये शाहरुख खान का बंगलो जा रहा है तो शायद कहीं गाड़ी उनकी निकल जाए या वो जा रहे तो दिख जाए. करेक्ट. आजकल ऐसा नहीं है. आज आप देख पा रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, आपके जो भी चाहते हैं आप उनसे बात कर पा रहे हो. यू कैन डीएम देम, यू कैन सेंड देम मैसेजेस. यस भाई. दे रिप्लाई बैक, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. तो यू नो वो एक बहुत बढ़िया चीज है सोशल मीडिया की. सो आई कंप्लीटली लाइक इट. बट ऑल्सो
एडिक्शन एक जो होती है सोशल मीडिया की, डूम स्क्रॉलिंग। यस, मैं आजकल बहुत बुरी तरह फंसा हूँ। हम अगर कोई कंटेंट देख रहे हैं तो उसके रेफरेंस पे इतने सारे रिलेटेबल कंटेंट आते हैं कि टाइम ही नहीं पता चलता है कि यार ये कब टाइम निकल गया। Correct. ये हम कब देख रहे थे, कितना टाइम हो रहा था, कितना टाइम निकल गया है साथ में। क्या आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे? यार हमेशा से तो नहीं। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे एक्चुअली हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी थी। हिस्ट्री में तो मैं काफ़ी टाइम तक, इनफैक्ट 10th के एग्जाम्स तक, हाँ, मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था। तब ना आर्ट्स के अराउंड बहुत टैबू था कि आर्ट्स तो वही लेते हैं जिनको कम मार्क्स आते हैं। अभी भी होता है थोड़ा। मैं लोगों को ऐसा कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट्स भी एक बहुत ही बढ़िया वोकेशन है, तो आपको जो करना है उसके हिसाब से लीजिए। मैंने ले लिया कॉमर्स, फिर मैं पढ़ाई करने लगा सीए की। तब तक ना मुझे ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं क्या करना है, मैं बस सीए की पढ़ाई कर रहा था कि कुछ करेंगे। एंड देन सडनली मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ एंड पापा ने मुझे पूछा कि तुझे करना क्या लगा। तब जाके मुझे हिट हुआ और मैं रात को सो नहीं पाया, तो मैंने कहा यार इस पे तो सोचना पड़ेगा कि लाइफ में करना क्या। तो तब मुझे आंसर आया कि भाई मैं सीए तो बन नहीं सकता, क्योंकि मैं ना वो कंप्यूटर के सामने 9 to 5 वाला नहीं समझ में आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा वो। तो फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि यार क्योंकि डैड इंडस्ट्री में है तो हम ना बहुत ही इराटिक वर्किंग आवर्स देखे। हमने देखा है कि 9 to 5 जॉब नहीं है, 10 दिन के लिए आउटडोर चले गए, फिर 15 दिन के लिए घर पे हैं जब यहाँ पे शूट हो रही है, वो भी कभी नाइट चल रही है, कभी डे चल रही है, कभी 2-2-2 चल रही है। सो इट वाज वेरी, और वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा था, मतलब हम वैसे ही पले बढ़े हैं, राइट। तो हमें उसमें कुछ अलग नहीं लगता। तो हमें लगा कि यार ये तो हमारे अंदर भी है कि हमें ना वो जो एक सेट पैटर्न है वो उसमें हम शायद नहीं उतना एक्सेल कर पाएंगे। सो दैट्स व्हेन मैंने सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बढ़ा जाए। दिन मैंने एक दो फिल्मों में असिस्टेंट। भाई आपने फर्स्ट मूवी जो किए थे गोल्ड, जी भाई, वो ऑफर कैसे हुई थी आपको? यार वो ऑडिशन, यार वो उस पार्ट का प्योर ऑडिशन देके डायरेक्ट प्योर ऑडिशन। भाई ये जर्नी स्टार्ट होने से पहले आपने गुंडे जो मूवी थी उसमें आपने एडी का काम किया था। हाँ, तो वही, तो गुंडे में एडी का काम किया था। उससे पहले भी एक फिल्म आई थी माय फ्रेंड पिंटो जो संजय लीला बंसाली प्रोडक्शंस की थी, जिसमें प्रतीक बब्बर और कल्कि थे। तो वो मैंने एडी किया था कॉलेज से निकलते, तो ये दो फिल्मों में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर था। भाई घर का माहौल कैसा रहता है? सिर्फ पिक्चरों की डिस्कशन होती होगी फिर तो, खाने में भी? यार घर में ना बहुत ही चिल माहौल है एक्चुअली, क्योंकि हम ना जब बड़े हो रहे थे तो हमारे घर में ना ऐसा, क्योंकि पापा इंडस्ट्री से, तो लेकिन हमने ना कभी वैसे था नहीं कि डैड काम ज़्यादा घर पे ले आए हैं या घर पे वही बातें हो रही है, तो आज भी वैसा ज़्यादा नहीं है। अभी हो जाता है, हाँ, बिकॉज विक्की भी, डैड भी, मैं भी, हम भी, कटरीना भी है, तो हम सब वो है, बट थोड़ा बैलेंस रहता है, चिल रहता है, इतना कुछ ये नहीं है। आपका और विक्की पाजी का कभी झगड़ा होता है कि नहीं होता है? ये सब देखो, ये सब है ना, मैं एक फैन के पॉइंट से बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो? ये मतलब एक चीजें हैं जो मैं खुद जानना चाहता हूँ, मेरे फैंस जानना चाहते हैं, आपके भी फैंस जानना चाहते हैं। यार घर पे क्या माहौल होता है, कभी झगड़ा होता है? झगड़ा होने में कभी आप लोगों का ऐसा झगड़ा होता है जा अभी देख तेरे से ज्यादा पिक्चर करके दिखाता हूँ? नहीं नहीं, तेरा तो गेम बजाना अभी अभी जा तेरे से ज्यादा पिक्चर करके दिखा। अभी विक्की और मेरे में झगड़ा नहीं होता, हाँ, लेकिन जब बड़े हो रहे थे तब तो बहुत होता। तो हम आता भी उतर आते थे। क्या बात है, हमें ज्यादा फर्क नहीं है यार, हमें 1 साल 4 महीने का फर्क है। हाँ। मुझसे 1 साल 4 महीने बड़ा है, ठीक है। सो तो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा है कि मैं पिट के बैठ जाऊँ। क्या बढ़िया था गुरु। तो हमारे बीच ना बहुत बहुत झगड़े होते थे और छोटी छोटी चीजों को लेके होते थे। कि मुझे कार्टून देखना बहुत पसंद था, मैं अभी भी एनीमे बहुत देखता हूँ, वो स्पोर्ट्स बहुत देखता था, तो वो सब छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोगों के बहुत झगड़े होते थे। मॉम बीच में पिस जाती थी। वो भाइयों में तो होती है भाई, आता भाई यार भयंकर होती थी। क्या आप ये टेक को कैसा लेते हो जब आपको विक्की सर के साथ में कंपेयर किया जाता है? जब से इंटरव्यू देने शुरू किए हैं इंडस्ट्री में, तब से ये सवाल आ रहा है। बिकॉज अगर हम कंटेम्प्रेरीज हैं, हम भाई हैं वो अलग बात है, लेकिन हम अगर एक ही इंडस्ट्री में तो हम कंटेम्प्रेरीज भी हैं, राइट, एक्टर्स में। तो मुझे ये लगता था कि तो मुझे किसी और एक्टर के साथ क्यों नहीं कंपेयर किया जा रहा है, इसके साथ में क्यों हो रहा है विक्की? सो तब मुझे समझ में आया, लेकिन ठीक है, वो एक बहुत ही नॉर्मल बात है। बिकॉज जब आप बड़े भी हो रहे हो तब अगर पढ़ाई में भी 19-20 होना,
तब लोग आपको एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि आप एक ही फैमिली से हो, भाई से हो। मैं कंपैरिजन को लेता नहीं, ठीक है, बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि यार सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, आपकी अपनी जर्नी रही, जर्नी मेरी अपनी है, विकी की अपनी जर्नी है, जो ऊपर वाला लिख के देता है वही होना है, आपको बस अपनी 100% देनी है, मेहनत करते जाना है, लोगों को एंटरटेन करते जाना है। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको विक्की सर के साथ में कोई मूवी करने का चांस मिले तो आप कैसी मूवी करना पसंद करोगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसी मूवी, क्योंकि नॉर्मल सवाल तो ये हो गए दो भाई वाले, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि हम भाई ना प्ले कर रहे, राइट, वी आर नॉट प्लेइंग ब्रदर्स, यस, इन द मूवी दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि हम बिल्कुल ही अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा, थोड़ा चैलेंजिंग, बट एक्शन, 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 वो खून है, हाँ, एक्शन ना वो, बिकॉज पापा एक्शन डायरेक्टर है तो वो हमें काफ़ी एक्सप्लोर करना है और वो हमें ऐसा लगता है कि हम कर पाएंगे बढ़िया। हाउ इज योर इक्वेशन विद कैटरीना कैफ? आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत अच्छे से हो गई थी, कैटरीना और मेरी, तो अभी भी वही चल, हम एक्चुअली यहाँ स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बॉन्ड करते हैं, बिकॉज वो भी बहुत बिलीव करती है और किताबें पढ़ती हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, मैं भी काफ़ी बिलीव करता हूँ एंड मैं भी काफ़ी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा बॉन्ड करते हैं। भाई मेरी जो फेवरेट मूवी थी शिद्दत, पता है हम एयरपोर्ट पे मिले थे, हाँ मुझे याद है, और मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था? करेक्ट, कि भाई शिद्दत में लास्ट में आप क्यों मर गए? क्यों मर गए? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। यार इसका एक बहुत ही सिंपल जवाब ये है कि वो लिखी गई थी एज अ रोमांटिक ट्रेजेडी, वो रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म लिखी गई थी कि एंड में ये करते करते ही, अगर आपने देखा है कि वो कैरेक्टर जो जग्गी जो मैं प्ले करता हूँ वो क्या क्या चीज़ें करता है, राइट, प्यार में जुनून बहुत सही चीज़ है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा रियल लाइफ में कि आपसे ऊपर आप किसी को उतना इम्पोर्टेंस ना दें कि यार आप खुद के जान पर ये कर जाओ, बिकॉज मुझे तब ये रियलाइज़ हुआ ये आंसर, बिकॉज मुझे ना काफ़ी DMs आने लग गए और लोग मुझे एक्चुअली मैसेज करने लग गए कि मेरी भी गर्लफ्रेंड ऐसा है, वो भी चली गई है, उसके घर वालों ने शादी करवा दी है, मैं क्या करूँ, क्या मैं भी ये कर, तो मुझे ना मैं डर गया, मैंने कहा नहीं भाई ये फिल्म है, फिल्म को फिल्म की तरह देखो, ये कहानी लिखी गई थी इस कैरेक्टर की, इस इतना ये मत करो कि तुम अपने जान पे खेल जाओ और तुम ये कर दो या किसी और की जान तुम बट भाई वो पिक्चर में मोहब्बत क्या होती है, हाँ, वो आपने वो तो इतना बखूबी निभाया है कि लोग इतना रिलेट करेंगे उस चीज को, भले हाँ, वो चीज ना कर पाए कि आप देखो आप निकल गए समुंदर तैर के मिलने के लिए लंदन, बट जो एक पर्सनालिटी थी, जो एक कैरेक्टर आपने होल्ड किया वो इतना रिलेटेबल था एक मोहब्बत करने वाले लोगों में, एक आशिक में, तो यार यार वो तो क्रेडिट जाता है राइटर्स को जो जिन्होंने फिल्म लिखी है, डायरेक्टर हमारे कुणाल देशमुख जी, हाँ, तो मेरा एक ये भी सवाल है कि जो शिद्दत की जो स्क्रिप्टिंग हुई थी जी, तो वो क्या आप डायरेक्टर के साथ में बैठ के अपने स्क्रिप्टिंग किया था? तो स्क्रिप्ट तो पहले लिख दी गई थी एंड देन मैंने ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गया, फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर हाँ आप डायरेक्टर के साथ बैठ के जैम करते हो कि कैसे एक सीन को, क्योंकि अब आप जब कैरेक्टर फॉर्म करने लगते हो तो उसके हिसाब से ना थोड़ी बहुत चीज़ें कि अच्छा ये लिखा तो ऐसा है कि ये करेगा लेकिन हमारा कैरेक्टर ऐसा बन रहा है तो अब क्या करेगा ये, राइट, जैसे एक चीज़ मैंने फिल्म में रखी थी जो पहले स्क्रिप्ट में नहीं थी, सेकेंड हाफ में जब वो पहुँच जाता है वहाँ पर बहुत ही इंटेंस होने वाला था, वो मैंने कहा नहीं यार ये हमेशा खुश रहता है, ये ना ये खुशी से कर रहा है, हाँ, ये अगर कार्तिका को मिलने जा रहा है या ये सब जो भी कर रहा है ये, हाँ, खुशी से कर रहा है ये, हाँ, ये तो हमने ना वो वाली जो वो एक ब्रूडिंग इंटेंसिटी होती है ना वो निकाल के हमने रखा है इसको खुशी खुशी, या फिर भी हंसे, फिर भी हंसेगा, ये फिर भी हंसेगा, तो वो ना हमने एक चीज रखी थी कि जग्गी फिर भी हंसता रहेगा जो हो जाए। भाई आप इतनी चैलेंजिंग मूवी करते हो, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हो, भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस बेसिस पे कैरेक्टर चूज करते हो? यार मेरा सबसे पहला बेस तो ये होता है मेरी गट फीलिंग, मुझे अगर पढ़ के सुन के अगर ऐसा लगा कि हाँ यार ये, पहले तो मैं कहानी सुनता हूँ, कहानी पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि ये कहानी अगर मुझे लोगों तक पहुँचानी है, मुझे बतानी है, मैं बिलीव करता हूँ इस कहानी में, करेक्ट, एंड दूसरा होता है कि आपका कैरेक्टर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो क्या लोगों तक पहुँचा रहा है, तो वो है, एंड देन उसके बाद में चीज़ें आती है कि वो कितना वो किस तरीके का कैरेक्टर है, उसकी मोरालिटी क्या है, उसका ये क्या है, वो क्या है, वो सब अलग अलग चीज़ें आ जाती है, बट पहले तो ये होता है कि कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लग रही है, सही बात, तब जाके आप ये कर पाओगे कि अच्छा लोगों तक पहुंच जाएगी ये। भाई कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है? 3 प्रोजेक्ट है बेसिकली मेरे अभी जो मैंने इसी साल कम्प्लीट किया है, एक है फिर आई हसीन दिलरुबा,
तापसी और विक्रांत के साथ जो हसीन दिलरुबा थी उसका सेकंड पार्ट। ओहो हो हो हो, क्या वो अभी अभी कंप्लीट किया हमने, तो कभी आएगी वो? आई थिंक बाय मिड नेक्स्ट ईयर आ जानी चाहिए, अभी तक डेट नहीं है हमारे पास, बट या अराउंड मिड नेक्स्ट ईयर। फिर एक शिद्दत 2। ओ कांग्रेचुलेशन गाइस, शिद्दत 2 आ गई है, क्या बात है भाई। अभी अब पता चल रहा है लोगों को कि ये ऑलरेडी एक सॉफ्ट अनाउंसमेंट इसकी हो चुकी थी, चलो थोड़ा हार्ड वाली मेरे इसमें हो गई है। हां, तो शिद्दत 2 है जो जिसमें अभी वामिका गब्बी जी है, ओ सो शी इज इन इट एंड बट इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। ये इसका पहले स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है, ये कंप्लीटली पूरी अलग स्टोरी, क्योंकि उसमें तो मेरा कैरेक्टर मर जाता है, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। सो वो है एंड फिर एक बहुत ही स्वीट मदर सन स्टोरी है, माँ बेटे की कहानी है, जो मैंने नीतू कपूर जी के साथ की है, जिसका नाम है थैंक यू मिस्टर खन्ना। थैंक यू मिस्टर खन्ना जी। सो ये तीन फिल्में जो अगले साल रिलीज होंगी। क्या बात है भाई, अल्लाह आपको और तरक्की दे भाई, क्या बात है, बहुत जोरों में हो यार सनी भाई अब तो। चोर निकल के भागा जो मेरी फेवरेट मूवी है, इसका कोई ऐसा मेमोरेबल मूवमेंट शेयर करो यार। आई थिंक भाई मैं एक बात बताऊं मूवी के बारे में। हां मेरे को बताओ। जो आपने रोल प्ले किया ना इस मूवी में, कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि लोग है ना मूवी देखते ही देखते ना आधे में जज कर देते हैं, ए यार मेरे को ऐसा लग रहा है ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है। आपने जो रोल प्ले किया है ना उसमें सब ऐसा है ना अपने आगे आ गए सीट पे बैठ के, कि मतलब यार ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा कैसा हो गया। तो भाई मतलब वो बात थी आप में और आपकी एक्टिंग में, आपने बहुत अच्छा किया उसमें। नहीं यार उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर को भी जाता है, अजय सिंह जी को, बहुत तरीके से उन्होंने वो करवाया था भाई। कोई मेमोरेबल मोमेंट? हाँ, चोर निकल के भागा का मेमोरी। आई थिंक हमने ना 18 दिन जो प्लेन में शूट किया था ना, हमने सेट लगाया था मीरा रोड में, और हमने वो प्लेन में शूट किया था 18 दिन भाई। वो प्लेन का जो शूट है वो मीरा रोड में हुआ है? मीरा रोड पे सेट लगाया था, एक ऐसा प्लेन को ऐसा हाइड्रोलिक टाइप में हमने सेटअप किया हुआ था, ताकि वो हल्का सा मूवमेंट भी दे मिले, बाकी सब कैमरा पे था। बट वो मेरे लिए ना वो पूरे 18 दिन बहुत मेमोरेबल थे, बिकॉज उसमें काफी कुछ करना था, बिकॉज पूरी फिल्म तो एक्चुअली प्लेन के अंदर ही होती है, बाकी तो आप फ्लैशबैक में काटते हो, ठीक है जो भी हो रहा है। तो उसमें जो एक्शन सीक्वेंस था ना, वो मेरा सबसे फेवरेट था और मेमोरेबल था, बिकॉज उसमें मैं पिट रहा हूँ, उसमें मेरा चेहरा जो है वो बिल्कुल ही एकदम तबाह किया जा रहा है भाई, तो नाक तोड़ी जा रही है, आंख फोड़ी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। मुझे पता नहीं मैं करियर बनाऊंगा कि नहीं, बट मुझे इतना है कि यार अंदर ना बहुत कुछ कहने को है, तो वो तो कह दूंगा, तो वो तो उतना तो कह दूंगा, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, चले व्यूज आए ना आए पता नहीं, बट जो कहना है वो तो मैं कह दूंगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब मेरे पास में ना कुछ रूमर्स है, ठीक है, ये रूमर्स जो है ना, ये रूमर्स जो है ना, ये कुछ ऐसे रूमर्स है जो हमारे भी है, फैंस के भी है। मैं चाहूंगा कि आप ही पढ़ो, अरे यार और प्लीज फैन को भी पढ़ के सुनाना, अच्छे है, डिसेंट है। कौशल्स ने बॉलीवुड में ये कमिटमेंट की है कि हर 4 महीने में एक मूवी या सीरीज रिलीज करेंगे। अब पता नहीं यार, ये कमिटमेंट हमने शायद अपने आप से की है कि काम करते रहना है भाई। कौशल्स में सिर्फ कौशल भाई जो है ना, सनी भाई, इनकी अगले साल 3 आ रही है गाइस। हाँ, तो विकी के भी आ रही होंगी, बाकी के अलग 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 है। तो हाँ, ये रूमर बिल्कुल सही है, पहला रूमर पास हो गया है गाइस। हमने सुना है आपको सीए बनना था। हाँ यार, जैसे मैंने कहा, मैं सीए की पढ़ाई बनना था कि नहीं मुझे नहीं पता, सीए की पढ़ाई मैं जरूर कर रहा था और मैं काफी ठीक ठाक भी था उसमें, टिल मैंने सोचा एक्टर ही बन जाते हैं। शिद्दत के डायलॉग्स आपने खुद राइटर्स के साथ लिखे हैं? मैंने सारे डायलॉग्स नहीं लिखे हैं खुद राइटर्स के साथ, बट शिद्दत में ना एक सीन है जहाँ पर मैं, जहाँ पर मुझे मोहित रैना जो है उनके जो कैरेक्टर है वो बंद कर देते हैं घर पे और मैं घर से भाग जाता हूँ। तो वो घर से जो भागने के बाद जो लेटर है, उसको मैंने अपने शब्दों में रीराइट किया था, बिकॉज वो लिखा हुआ था, बहुत बढ़िया लिखा हुआ था, लेकिन मैंने जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको बोला, मैंने कहा यार ये ना थोड़ा सा ये लग रहा है कि डायलॉग टाइप लिखा हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा कि किसी ने अपने जग्गी ने बैठ के ना, ये जग्गी की लाइन है मतलब, उसी समय जब उसने डिसाइड किया होगा कि मुझे भागना है, तो उसने क्या सोचा होगा। अच्छा, तो जग्गी की सोच नहीं, जग्गी की सोच के उस मोमेंट पे क्या सोच है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो एक करते हैं कोशिश। खुद पूरा क्रेडिट नहीं लूंगा, बट हाँ थोड़ा बहुत उसमें मैंने थोड़ा बहुत इनपुट डाला है। आपको खुद शिद्दत 2 का इंतजार है? ऑफ कोर्स है यार, मुझे शिद्दत 2, शिद्दत 3, शिद्दत 4, सभी शिद्दतों का इंतजार है, इंशाल्लाह बनती रहे शिद्दत। क्या बात है जी, वाह, बस यार। तो सारे रूमर्स तो सारे, मुझे लगा पता नहीं कैसे तड़कते भड़कते रूमर्स हो गए, ये तो बड़े साधारण से रूमर्स। मैं बड़ा ही डिसेंट शो कर रहा हूं भाई, सच बता रहा हूं आपको भाई। मुझे तुमसे एक सवाल करना है। अरे भाई 100% पूछो। मुझे बताओ कि ये तुम्हें, ये जो तुम शो कर रहे हो, यस भाई, एक तो बहुत बढ़िया, थैंक यू, बड़ा मजा आता है। मुझे याद है जब तुमने मुझे यू गॉट इन टच विद मी फॉर द शो और मैंने जाके तुम्हारे इंटरव्यूज देखे, थैंक यू, और मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू,
तुम मुझे बताओ, ये तुमने कैसे सोचा इसके बारे में कि इसके पीछे क्या थॉट था तुम्हारा? मुझे ऐसा फील होता है और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, मेरे जो मेंटोर हैं उन लोगों ने कहा है कि ना तू बातें तो कर लेता है और तू अच्छी बातें कर लेता है, तू तेरा वाइब भी थोड़ा सा पॉजिटिव है और तू थोड़ा जब बात करता है तो लोगों को एनर्जी भी देता है, तू कंफर्टेबल फील कराता है, तो तू कुछ करता क्यों नहीं? तो बट मेरे को ऐसा फील हो गया यार, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं क्यों ना अपने ही प्लेटफॉर्म पे करूं। अब एब्सोल्युटली सोशल मीडिया में लोगों का प्यार भी है, लोगों ने प्यार बहुत बनाया है यार इतने सालों, तो बस मैंने यही सोचा कि यार अगर ये चीज हो सकती है तो ये भी पॉसिबल है, तो मैंने स्टार्ट किया। बस कोशिश जारी है और इंशाल्लाह ऐसे ही करते रहूंगा मैं भी। नहीं यार एकदम बहुत ही, मुझे तो मुझे बड़ा मजा आया यार, ये सबसे चिल इंटरव्यू था मेरे लाइफ का। सही तो ड्राइव करते करते। हाय गाइस, तो आपने इंटरव्यू तो देख ही लिया फैजू भाई के साथ, बड़ा मजा आया हमें और अगर आपको भी उतना ही मजा आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग लॉन्ग ड्राइव विद फैजू। थैंक यू सो मच सनी भाई, जल्दी मिलते हैं आपसे। माय प्लेजर।